बगदादी आतंक की दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक। लोग नाम भूलने लगे थे, उसका साम्राज्य खत्म हो ही गया था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सारी दुनिया में सनसनी फैल गई है। अब सब जानते हैं कि बगदादी का लौटना तय है। एक बार फिर से उसकी गर्दन काटने वाली सेना लौटने वाली है, फिर से उसका काला झंडा फहरेगा और खून की महक हवा में फैल जाएगी, क्योंकि बगदादी का अज्ञातवास खत्म हो गया है। इसी बमबारी की दुआ मांग रहा था बगदादी। इन्हीं बरसते बमों का बगदादी को इंतजार था। ये धमाके नहीं, बगदादी की आठ। ये फटते बम बता रहे हैं लौट रहा है बगदादी। बगदादी का अज्ञातवास खत्म। जी हाँ, इन्हीं धमाकों की उम्मीद में बगदादी बीते कई सालों से छिपकर जी रहा था। उसे यकीन था कि उसका वक्त फिर से आएगा। उसकी मिट्टी में मिल चुकी काली सेना एक बार फिर से कब्र का सीना फाड़ कर लौटेगी। एक बार फिर उसका काला झंडा दुनिया में उसकी दहशत कायम करेगा। और सीरिया में जारी ये बमबारी सबूत है इस बात का कि बगदादी गलत नहीं था। अब सारी दुनिया दम साध कर इंतजार कर रही है बगदादी की वापसी का, क्योंकि ये बारूदी धमाके उसके अज्ञातवास के खात्मे का खुलकर ऐलान कर रहे हैं। बगदादी और उसका संगठन दोबारा सतर्क हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो उनके लिए उनको काबू में रखने के लिए जो फोर्स था सिर्फ अमेरिका था, अमेरिका उधर से हट गया है, इसलिए बगदादी का ऊपर आना अवश्य है, निश्चित। जी हाँ, जिसका डर था वही हुआ। बगदादी की वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये सब होगा टर्की की गलती से। टर्की ने सीरिया में कुर्दों पर हमला कर दिया और दिन रात सीरिया पर जमकर बारूद बरसा रहा है, और ये बारूद ही वो खाद पानी है जिसकी बगदादी को जरूरत थी। टर्की का इरादा बमबारी कर कुर्द मिलिशिया को सीरिया टर्की के सरहदी इलाके से खदेड़ना, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती जिससे बगदादी का लौटना करीब करीब तय हो गया। والحمد لله رب العالمين كان استقبال اهالي لانه جيد والارواح مندمجه في بعضها قواتنا كانت منتشره في شكل جيد والحمد لله اخذنا الحيطه والحذر والامور جيده واستقبال كان لانه جيد والحمد لله حافظنا على सारी दुनिया टर्की को समझा रही है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है और उसे ये हमले फौरन रोक देने चाहिए, लेकिन टर्की कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो आंख मूंद कर सीरिया में बम फेंके जा रहा है। But I don't think our soldiers should be there for the next 50 years guarding a border between Turkey and Syria when we can't guard our own borders at home. I don't think so. इससे पहले कि आपको टर्की और कुर्दों का झगड़ा समझाएं, समझिए कि इस झगड़े से आखिर बगदादी क्यों बाग-बाग है। देखिए ये तस्वीरें कुर्दों की उन सात में से एक जेल की है जिसमें आईसिस के करीब 12,000 आतंकी कैद हैं। कुर्दों ने अमेरिका के साथ मिलकर आईसिस से खुली जंग लड़ी और बगदादी को शिकस्त भी दी। बगदादी के ज्यादातर आतंकी तो मारे गए, लेकिन 12,000 आतंकी आज भी कुर्दों की कैद में। और टर्की के हमले के बाद कुर्द अब इन जल्लादों को ज्यादा वक्त तक अपनी कैद में नहीं रख सकते, और अगर ये 12,000 आतंकी एक बार फिर जेलों से बाहर आ गए तो इंसानियत का खून का आंसू रोना तय है, बगदादी का फिर से लौटना तय है और दुनिया का दहशत ज़दा होना तय है। कुर्दों के साथ जेलों में करीब 12,000 आईसिस आतंकी मौजूद, इनमें से 2,000 आतंकी 54 अलग अलग देशों के। कुर्दों की हिरासत में इन आतंकियों के 70,000 परिजन भी मौजूद हैं। 9 अक्टूबर को टर्की के हमले के बाद से 5 आईसिस आतंकी जेल तोड़कर भाग चुके हैं। आतंकियों के करीब 800 परिजन भी जेल तोड़कर भाग चुके हैं। बीते 5 दिनों में आईसिस आतंकियों ने सीरिया में 2 बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे दिया। टर्की के हमले जितने बढ़ेंगे
आतंकियों के भागने के रास्ते उतने ज्यादा खुलेंगे। बगदादी ने अपने आखिरी ऑडियो संदेश में कहा ही था कि सही वक्त आने पर वो अपने आतंकियों को जेलों से छुड़ा लेगा। यानी साफ है कि अब चंद रोज की बात जब ये आईसिस आतंकी जेलों से बाहर होंगे और 12,000 की तादाद कम नहीं होती, तब बगदादी भी खुलकर इनके बीच लौट आएगा। कभी बगदादी 10,000 आतंकी लेकर ही निकला था और उसने इराक और सीरिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया था। यानी बगदादी का अज्ञातवास खत्म होने वाला है। ये तो बहुत फेवरेबल है क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनको काबू में लाया था। अब वो फिर लगभग 800 तो चले ही गए, वो निकल ही गए हैं 800, और बाकी जो भी बचे कुचे वो भी निकल जाएंगे। फिर एक एक जो एक एक आईसिस का आदमी जो है वो 10-10 और पैदा करेगा मॉड्यूल्स और टोलियां, और दोबारा वही खून खराबा और वो सब होगा। कुर्दों की मुश्किल ये है कि टर्की के हमले के बाद उनके खेमे में अफरा तफरी, उन्हें टर्की से मुकाबला करना है। ऐसे में वो जेलों में पड़े आईसिस आतंकियों की हिफाजत करें या अपनी पूरी ताकत टर्की के खिलाफ झोंके। खुद कुर्द बार बार गुहार लगा रहे हैं। इन हालातों में वो आतंकियों को ज्यादा वक्त तक जेलों में नहीं रख पाएंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। वो अमेरिका भी नहीं जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुर्दों ने आईसिस का सफाया किया था। यानी बगदादी का लौटना अब तय है। वो भागा फिर रहा था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ज्यादातर आतंकी या तो जेलों में थे या फिर मारे गए थे। अब जब 12,000 आतंकी उसके पीछे खड़े होंगे तो एक बार फिर से सीरिया और इराक में अपना आतंक का साम्राज्य खड़ा कर लेगा। और ये सोचकर सारी दुनिया दहशत में। आगे बताएंगे कि आखिर टर्की कुर्दों के खिलाफ क्यों, क्यों वो बगदादी के लौटने का रिस्क उठाकर भी कुर्दों पर बमबारी करना चाहता है। टीम न्यूज नेशन। इसमें शक नहीं कि टर्की की इस गलती से बगदादी को नई जिंदगी मिलने वाली है। 12,000 आईसिस आतंकी और उनके 70,000 परिजन मिलकर एक बार फिर से सीरिया और इराक को नर्क बनाने वाले हैं, लेकिन टर्की ये जोखिम उठाने को भी तैयार है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। टर्की के सिर पर खून सवार है। वो अपनी सरहद से सटे सीरिया के 32 किलोमीटर के इलाके से कुर्दों का नामो निशान मिटा देना चाहता है और इसलिए जारी है टर्की की ये भयानक बमबारी। और इसी बमबारी में छिपी है बगदादी की आजादी की चाबी। अब सवाल ये उठता है कि टर्की आखिर बगदादी की वापसी के खतरे को देखकर भी अनजान क्यों बना हुआ है। वो कुर्दों पर हमला कर हासिल क्या करना चाहता है, तो नक्शे से समझिए कि आखिर टर्की चाहता क्या है। नक्शे में आप सीरिया और टर्की की सरहद देख सकते हैं। इस सरहद से सटे सीरिया के बड़े इलाके पर कुर्द मिलिशिया का कब्जा है। यहाँ सीरिया सरकार की हुकूमत भी नहीं चलती क्योंकि इस इलाके को कुर्दों ने ही आईसिस के कब्जे से आजाद कराया है। टर्की चाहता है कि वो कुर्दों को अपनी सरहद से सटे इलाके से 32 किलोमीटर भीतर खदेड़ दे और यहाँ एक बफर जोन बना ले। इससे टर्की की सरहदें ज्यादा सुरक्षित रहेंगी और कुर्द टर्की के भीतर मौजूद विद्रोही संगठनों की मदद नहीं कर सकेंगे। देखिए, कुर्द जो है ना, कुर्द एक कम्युनिटी है जो ईरान से लेके टर्की तक फैले हुए हैं, लेकिन उनका कोई लैंड नहीं है उनके पास, वहीं पे वो फैले हुए हैं। सो अब वो बसे हुए हैं सालों से वहाँ पर, और उनको अभी ये जो हैं कट्टरपंथी जो सुन्नी मुसलमान हैं वो उनके अगेंस्ट है और वो उनको खत्म करना चाहते हैं। परेशानी यही है कि जिस इलाके को टर्की बफर जोन बनाना चाहता है उसी इलाके में वो 7 जिले मौजूद हैं जिनमें कुर्दों ने 12,000 आईसिस आतंकियों को रखा हुआ है। अगर टर्की की बमबारी जारी रही तो कुर्दों को जेलें छोड़कर भागना होगा और आईसिस आतंकी आजाद हो जाएंगे, लेकिन टर्की ये बात समझने को तैयार नहीं। वो कुर्दों पर बमबारी में जुटा हुआ है और दुनिया उसका विरोध कर रही है। भारत टर्की के कुर्दों पर हमले को नाजायज बता चुका है। अमेरिका ने भी टर्की को उसकी इकोनॉमी तबाह करने की धमकी दी है। जर्मनी और फ्रांस ने भी टर्की को हथियार बेचने से इनकार कर दिया है। नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड पहले ही इस हमले का विरोध कर चुके हैं। अरब देशों का संगठन अरब लीग भी कुर्दों पर हमले का विरोध कर रहा है। I've made clear to Turkey that if they do not meet their commitments, including the protection of religious minorities and also watching over the ISIS prisoners that we captured, we will impose a very swift, strong and severe economic sanctions like I did with respect to my negotiations to get Pastor Brunson out.
जाहिर है टर्की पर चौतरफा दबाव है और वो जानता है कि ये दबाव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, इसलिए टर्की हमलों की दर्जाए हरारत बढ़ाए चला जा रहा है ताकि अगले ही कुछ दिनों में वो अपने लक्ष्य को हासिल करे। अब तक टर्की के हमले में 104 कुर्द लड़ाके मारे जा चुके हैं और 26 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, टर्की के हमले के बाद से अब तक 1,30,000 कुर्द अपने घरों को वीरान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर हो चुके हैं। ये आंकड़ा हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है और जेलों में कैद बगदादी के 12,000 आतंकी रिहाई के इंच इंच करीब आते जा रहे हैं। एक बात तो धोखा करने की बात है, दूसरी बात यह है कि वो जो हम अमेरिका के ऊपर इतना यकीन करते हैं, फेथ उनके ऊपर, एक बड़ा पावरफुल देश होने की वजह से उनके ऊपर, वो नहीं कर सकते। ट्रंप क्या करेगा अगले क्षण, कोई उसका भरोसा नहीं है। तो खुद जो है वो अब जब तक फ्रांस और जर्मनी और ऐसे देश उनकी मदद के लिए नहीं आते तो उनका सफाया निश्चित है। अगर आपको लगता है कि बगदादी के अज्ञातवास खत्म करने की असल वजह है टर्की है तो आप गलत हैं। असल में तो ये सारा किया धरा खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है। हाल ही में ट्रंप ने सीरिया से अपने 2,000 सैनिकों को वापस बुला लिया। कुर्द ट्रंप को अपनी दोस्ती का वास्ता देते रह गए और अमेरिकी फौज सीरिया छोड़ गई। इसी के फौरन बाद टर्की ने सीरिया पर हमला बोल दिया। अब एक तरफ जहां पूरी दुनिया ट्रंप को धोखेबाज कह रही है तो वहीं दूसरी तरफ कुर्द आसमान से गिरते बमों के साए में जी रहे हैं। खुद अमेरिका के डेमोक्रेटिक सांसद कुर्दों को ऐसे किस्मत के भरोसे छोड़ देने के खिलाफ है और ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी ट्रंप ने अपने सैनिक सीरिया में वापस नहीं भेजे तो इस बार बगदादी पिछली बार से भी बड़ा आतंक बनकर उभरेगा। टीम न्यूज नेशन। कुर्द आज खुलकर अमेरिका को गद्दार कह रहे हैं क्योंकि ये वही कुर्द हैं जिन्होंने आईसिस को मिटाने के लिए अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी थी। कुर्द वो योद्धा हैं जिन्होंने आंख में आंख डालकर बगदादी के जल्लादों की गर्दनें काटी हैं। यही हैं वो जिन्होंने बगदादी और आईसिस के आतंक से पूरी दुनिया को निजात दिलाई है। लेकिन आज वही कुर्द बरसते बमों के साए में बेबस और तन्हा खड़े हैं। आईसिस, सबसे बड़े जल्लाद बगदादी का वो संगठन जिसे इतिहास के सबसे बेरहम आतंकी संगठन होने का खिताब हासिल है, जिसने आतंक की ऐसी कहानियां लिखी हैं जिन्हें दुनिया सदियों तक नहीं भूल पाएगी, जिन्होंने कैमरे के सामने इतनी लाशें गिराई कि देखकर दुनिया इनकी दरिंदगी से नफरत करने लगी। लेकिन खौफ के उस समंदर के सामने भी अगर कोई सिर तानकर खड़ा था तो वो थे कुर्द योद्धा। साल 2014 से 2017 तक आईसिस का साम्राज्य इतना फैल चुका था कि वो इराक और सीरिया के बड़े इलाके के अलावा उसके कई बड़े शहरों को भी निगल चुका था। अमेरिका और दुनिया के हवाई हमले भी आईसिस पर खास कारगर नहीं हो पा रहे थे। तब जरूरत थी ऐसे योद्धाओं की जो बेखौफ हों और आंख से आंख मिलाकर आईसिस की बेरहमी का जवाब उन्हें बेरहमी से दे सके, और तब ये जिम्मेदारी इन्हीं कुर्दों ने अपने कंधों पर ली थी। कुर्दों ने हर मोर्चे पर आईसिस को मुंहतोड़ जवाब दिया। कुर्दों के सामने आईसिस के पांव खड़ने लगे तब इन्हीं कुर्दों के पीछे अमेरिका खड़ा था। उसने कुर्दों को हथियार दिए और अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ने की पेशकश की। कुर्द मान गए, फिर कुर्दों ने अमेरिका के साथ मिलकर आईसिस का खात्मा किया। बगदादी तो फ्री हो गया ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट था ही कौन, उसके अगेंस्ट थे अमेरिकन्स, और तो कोई था ही नहीं उसके अगेंस्ट। अब चाहे वो इराक के कट्टरपंथी हैं, चाहे वो सीरिया के कट्टरपंथी हैं, चाहे वो टर्की की सेना है, वो सब उनके सपोर्ट में है। लेकिन काम निकल जाने के बाद अमेरिका अब इन्हें इनके हाल पर छोड़ गया। टर्की एयरफोर्स इन पर गोले बरसा रही है और ये मुकाबला तक नहीं कर सकते। ऐसे में अब दुनिया इन कुर्दों के एहसान को याद कर रही है जो उन्होंने आईसिस को खत्म कर दुनिया पर किया है। लेकिन उस एहसान के बदले उन्हें अमेरिका से कुछ मिला तो सिर्फ धोखा। टीम न्यूज नेशन। इसी अगस्त में अमेरिका ने बगदादी के आखिरी ठिकाने को तबाह करने का दावा किया था।
तब तिग्रिस नदी के पास एक टापू पर आतंकियों के ठिकाने पर भयंकर बमबारी की गई थी, लेकिन शायद यह अमेरिका के सीरिया से वापसी के लिए किया गया एक नाटक था, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों की वापसी और टर्की के कुर्दों पर हमले ने साफ कर दिया है कि बगदादी की वापसी अब तय है। देखिए, इराक की तिग्रिस नदी के पास बमबारी की इन्हीं तस्वीरों ने उम्मीद जगाई थी। उम्मीद ये कि बगदादी की कमर पूरी तरह टूट चुकी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से आईसिस के ठिकाने पर किया गया ये आखिरी हमला था और आईसिस आतंकियों ने इस टापू पर कब्जा कर रखा था, इसलिए इराकी फौज आतंकियों तक पहुंच नहीं पा रही थी। ऐसे में अमेरिका ने हवाई हमला कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर डाला। इस बमबारी के बाद दुनिया यही मान रही थी कि बगदादी की सल्तनत करीब करीब मिट चुकी है। बगदादी के आतंकी या तो मारे जा चुके थे या फिर उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था। लेकिन अब अमेरिका की एक गलती बगदादी के लिए संजीवनी बन गई है। किसी तरह बगदादी के 12,000 आतंकी कुर्दों की कैद से आजाद हो गए तो यकीनन बगदादी फिर आतंक मचा देगा। और कुर्दों ने कह दिया है कि टर्की के हमले के बीच वो इन 12,000 आईसिस आतंकियों को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे। उधर टर्की किसी की सुनने को तैयार नहीं, जबकि सीरिया टर्की बॉर्डर पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस बीच सारी दुनिया को बगदादी का आखिरी ऑडियो मैसेज याद आ रहा है, जिसमें उसने दावा किया था कि मौका मिलते ही वो जेलों में बंद अपने 12,000 आतंकियों को छोड़ा लेगा। टीम न्यूज़ नेशन।